ईडी द्वारा हाल ही में दायर की गई चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल किया गया है। ईडी ने भूपेश बघेल के अलावा अन्य 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कुरियर का काम करते थे, जिसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर करीब 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने ईडी द्वारा महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में पूरक आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए जाने पर कहा कि जांच चल रही है, जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन सभी को समन भेज कर बुलाया जाएगा। जो कोल कार्टल से कोल लेवी में पैसा कमाया गया एक्सटॉर्शन करके, उससे रिलेटेड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फर्स्ट हमने फाइल की थी, फिर फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकंड सप्लीमेंट्री भी हमने फाइल करी। तो जो सेकंड सप्लीमेंट्री में जो कुछ अभियुक्तगण थे और जो पुराने वाले जो चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी उसमें जो अभियुक्तगण थे, सभी को कोर्ट से समन जारी किया गया था उपस्थित होने के लिए। तो कुछ लोगों के जो समन है वो तामील होके आए, कुछ लोगों के समन जो है वो तामील नहीं होके आए। तो जिनके समन तामील नहीं होके आए हैं उनका तो फिर से समन जारी किया गया, लेकिन जिनके समन तामील हो गए थे और वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनको 500-500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है माननीय न्यायालय ने। साथ ही साथ कोल वाले जो स्कैम है उसमें रिलेटेड है कि उस पर्सन मिस्टर देवेंद्र सिंह यादव जो हैं उनके तरफ से आज माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी और उस पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उनकी जो है अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आज जेल में बंद सभी आरोपियों की उपस्थिति तारीख तो थी और चूंकि अभी उनकी तरफ से कोई उपस्थित जो है 3 लोगों को छोड़ के कोई उपस्थित नहीं, बाकी सब लोग उपस्थित रहे, सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर को छोड़ करके बाकी सारे लोग उपस्थित थे आज माननीय न्यायालय के समक्ष। और इन 3 की तरफ से जेल के डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आया है कि इनके शरीर में कहीं दर्द है, इसलिए इनको नहीं लाया गया है। अब आगामी तिथि पर इनको प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी तिथि 2 मार्च 2024 नियत की गई है।